तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताने जा रहा हूं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स या इसी को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को आप एक और नाम से जान सकते हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहो या डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहो, इस दोनों का अर्थ निकाला जाए तो अर्थ निकलेगा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं मतलब आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। लेकिन विशेषण मीन्स एडजेक्टिव है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जाने। ऐसे इसके बारे में पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने कंसेप्ट दे चुका है। देखिए एडजेक्टिव्स क्या करता है, तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का क्या रोल है, तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता दो तरीका से बताया जा सकता है। पहला तरीका है कि हो सकता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आ गया हो। हो सकता है कि एडजेक्टिव किसके पहले आ गया हो, नाउन के पहले, और तब जाके उसकी विशेषता बताए। तो ऐसे यूज को हम लोग एक नाम दिए हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। क्या नाम दिया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज। जबकि दूसरा यह हो सकता है तरीका कि हो सकता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव। तो ऐसे यूज को हम लोग नाम देंगे प्रेडिकेटिव। यह भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो एडजेक्टिव का फर्स्ट वीडियो है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो एट्रीब्यूटिव यूज, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद में या वर्ब के बाद में एडजेक्टिव अकेले आएगा तो ऐसे को प्रेडिकेटिव कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे, यानी अगर एक डिक्शनरी को निकाली जाए और उस डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे, इन सभी वर्ड्स को हमारे ग्रामेरियन ने तीन फॉर्म में बांटा। एक को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव, दूसरे को नाम दिया कंपैरेटिव, और तीसरा जो वर्ड्स है यानी एडजेक्टिव का फॉर्म है, इसका नाम दे दिया गया सुपरलेटिव। ठीक है, यानी जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे उनको हम लोग लगभग तीन ग्रुप में बांट सकते हैं, तीन फॉर्म में बांट सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और इसी फॉर्म को जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इस तीनों फॉर्म को हमारे ग्रामेरियन ने एक नाम दे दिया, क्या, डिग्री। चूंकि डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसलिए मैंने पूरा नाम इसका लिखा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें यह जानेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये वर्क करता कैसे है या बनता कैसे है। तो देखिए जितने भी ये डिग्री हैं, मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसको हम लोग दो पैटर्न में पढ़ेंगे। दो पैटर्न में, एक वर्ड का पैटर्न होगा यानी जिसको हम कह सकते हैं वर्ड लेबल, ठीक है, और दूसरा हम लोग सेंटेंस लेवल पर इसको जानेंगे। मतलब हम लोग सेंटेंस में इसका यूज करके सीखेंगे, एक तरीका होगा, और जब सेंटेंस में इन सब का यूज करना हम सीखते हैं तो ऐसे को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जबकि वर्ड लेवल पर जब इसका जानकारी हम लेंगे तो इसी को हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन या एडजेक्टिव कह सकते हैं। हालांकि दोनों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत आता है, बस अंतर यह है कि इसमें वर्ड के बारे में हम लोग केवल जानकारी लेंगे
और इसमें सेंटेंस में होने वाले वर्ड्स को सीखेंगे कि कैसे यूज करें कि उसका मीनिंग चेंज नहीं हो। और जब मीनिंग चेंज नहीं होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ऐसे को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड लेबल पर इसको सीखेंगे कि वर्ड में किस तरह से इसका हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो वर्ड लेवल पर हम लोग डिग्री को सीखें। देखिए, जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया, टॉल, पुअर, रेड, फैट, नियर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर मैंने अभी वर्ड्स को लिखा हुआ है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अपने बेसिक फॉर्म में हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है, इसी मूल रूप को हम लोग नाम देंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका नाम होगा? तो जो एडजेक्टिव का मूल रूप होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को लिखा, टॉल, पुअर, रेड, फैट, नियर। क्लियर है? अब जब हम लोग इस पॉजिटिव डिग्री के साथ, जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री के साथ ईआर को ऐड कर देते हैं, तो जो नया वर्ड फॉर्मेशन हुआ, यानी नया वर्ड बना, तो उस वर्ड को हम लोग नाम दे देंगे कंपैरेटिव। क्या नाम दे देंगे? कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और यदि इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ही, ठीक है, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग ईएसटी को ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों को जो एडजेक्टिव मिलेगा, यानी नया एडजेक्टिव का फॉर्म मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे सुपर लेटिव डिग्री, या इसी को हम लोग कहते हैं सुपर लेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए कितना आसान रूल है, जो एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्म होता है पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस पॉजिटिव डिग्री में जब आप ई आर को ऐड करोगे तो एक नया वर्ड मिलेगा, और ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव कहा जाता है। कंपैरेटिव तब नाम देना है जब ई आर को ऐड कर दिया जाए, और जब फिर से इस पॉजिटिव के साथ ई एस टी को जोड़ दिया तो एक नया वर्ड जो बनेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में यहाँ पर टॉल है, तो मैंने क्या किया, टॉल के साथ ई आर को जोड़ दिया तो एक नया वर्ड मिला, टी ए डबल एल ई आर। तो ये जो टॉलर वर्ड मिला, इस टॉलर वर्ड को हमने एक नाम दे दिया और ये नाम हुआ कंपैरेटिव। नाम क्या हुआ? कंपैरेटिव। चूंकि ये एडजेक्टिव से बना है तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव या डिग्री भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये तो बना कंपैरेटिव। अब हम लोग एक बार सुपरलेटिव इसी को बना लें। तो देखिए, टॉल चूंकि मूल अवस्था में है, यानी फिर यहाँ पर मैंने टॉल लिखा, लेकिन इस बार ई एस टी को जोड़ दिया, तो टॉल से बना टॉलेस्ट, टी ए डबल एल ई एस टी। और ये जो टॉलेस्ट वर्ड बना, इसी को हम लोगों ने नाम दिया सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो एकदम सिंपल रूल हुआ, आसान रूल मैंने आप लोगों को बताया कि ई आर जोड़ने पर कंपैरेटिव बनता है और ई एस टी जोड़ने पर सुपरलेटिव बनता है, लेकिन सब में एक ही रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके सिलेबल को जानना होगा। सिलेबल क्या है? देखिए, एस वाई डबल एल ए बी एल ई, एक वर्ड होता है सिलेबस। सिलेबस का मतलब तो होता है पाठ्यक्रम, लेकिन सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, यानी शब्दों का अंश। और सिलेबल हम लोग तब यूज कर पाते हैं जब स्पोकन करते हैं, मतलब बोलते हैं किसी वर्ड को, यानी प्रोनंसिएशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, वाटर। तो वाटर के सिलेबल को यदि हम जाने, तो देखिए यहाँ पर वा एक सिलेबल हुआ और दूसरा सिलेबल हुआ टर।
ठीक है, वाटर के दो सिलेबल हुए, एक का नाम है वा और दूसरा का नाम है टर। इसी तरह अगर कंसोनेंट को अगर हम लोग तोड़ें तो देखिए कन एक सिलेबल हुआ, सन एक सिलेबल हुआ एंड एंट यह तीसरा सिलेबल हुआ। कंसोनेंट में कितने सिलेबल हुए? तीन, ठीक है, एक है कन, एक है सन और एक है एंट, और तीनों को ऐड कर देंगे तो बना देगा कंसोनेंट। तो आप देख रहे हैं कि सिलेबल शब्दों के उस छोटे छोटे हिस्से को कह रहे हैं जिसमें कम से कम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो एक वॉवेल दिखेगा और वॉवेल के आसपास कंसोनेंट, जैसे वा तो डब्ल्यू ए एक वॉवेल, टर एक वॉवेल, बाकी अगल बगल कंसोनेंट, कन ओ वॉवेल और अगल बगल कंसोनेंट, हो सकता है कि कंसोनेंट नहीं भी हो, सन ओ वॉवेल अगल बगल कंसोनेंट, ए एन टी में ए वॉवेल। तो यानी एक वॉवेल और एक कंसोनेंट की सहायता से जो शब्द का छोटा छोटा यूनिट बनता है ऐसे ही यूनिट को हम लोग सिलेबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं जैसा कि टॉल, तो टॉल में आप देखिए एक वॉवेल है, अगल बगल इसके क्या है कंसोनेंट है, मतलब ये एक सिलेबल वाला शब्द है। पुअर, पुअर में दो यहाँ पर वॉवेल है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन करेंगे पुअर तो यहाँ पर यह एक ही वॉवेल को लेकर आता है तो इसलिए हम लोग इसको भी एक सिलेबल में रखेंगे। रेड यह भी एक सिलेबल में है, फैट एक सिलेबल में है, नियर यह भी एक सिलेबल में है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या है एक सिलेबल वाले शब्द हैं। तो जब एक सिलेबल वाला शब्द होता है तो ऐसे में इस नियम को हम लोग लागू करते हैं, ई आर ऐड करके कॉम्परेटिव बना लेते हैं और ई एस टी ऐड करके सुपरलेटिव बनाते हैं। और जैसे ही एक सिलेबल से ज़्यादा अगर आ जाए यानी दो सिलेबल वाला आ जाए, जैसे अब दो सिलेबल में कौन आएगा तो यहाँ पर लिखा मैंने ब्यूटीफुल, तो देखिए ब्यूटीफुल में ब्यूटी ये तो तीन सिलेबल है, ठीक है, देखिए ब्यूटीफुल यहाँ पर तीन सिलेबल है तो ऐसे को हम लोग कैसे बनाएंगे, ईआर जोड़कर कॉम्परेटिव नहीं बनाएंगे, ऐसे को हम लोग मोर जोड़कर कॉम्परेटिव बनाएंगे। यानी ब्यूटीफुल अभी ये चूंकि पॉजिटिव डिग्री में है, मूल अवस्था में है, तो ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव अगर बनाना हो तो क्या करेंगे मोर और तब यहाँ पर प्लस कर देंगे ब्यूटीफुल, यानी मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। और यदि इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो मोर के स्थान पर हम लोग लिखेंगे मोस्ट और तब ऐड कर देंगे ब्यूटीफुल, तो ये आपका जो बना ये सुपर लेटिव डिग्री बना। तो यानी यहाँ पर आप लोग क्या सीखें कि यदि कोई वन सिलेबल वाला सिलेबल जिसका एक हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, तो उसमें ई आर ऐड करने से कॉम्परेटिव बन जाएगा, ई एस टी ऐड करने से सुपरलेटिव बनेगा, लेकिन दो से अधिक सिलेबल वाला रहेगा तो वैसे कंडीशन में कुछ दो और कुछ दो से अधिक वाला रहेगा, तो दो से अधिक सिलेबल या दो सिलेबल वाला वर्ड हो जो लंबा वर्ड हो तो वैसे में हम लोग मोर या मोस्ट जोड़ के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहला नियम हम लोग वर्ड लेवल पे सीख रहे हैं कि यदि देखिए यदि किसी वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में ई आर जोड़ दें तो कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ दें तो सुपरलेटिव बन जाता है। एक नियम हो गया आपका, यदि किसी वन सिलेबल वाले शब्द के अंत में ई आर जोड़ दें तो कॉम्परेटिव बनेगा, ई एस टी जोड़ दे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो कुछ वन सिलेबल वाले वर्ड को ले लिया जाए, जैसा कि अभी मैंने वर्ड यहाँ पर लिखा था पुअर, तो पुअर में हम क्या करें प्लस ई आर को कर देते हैं, पुअर आपका पॉजिटिव डिग्री हुआ या एडजेक्टिव हुआ, ई आर यहाँ पर सफिक्स है, ठीक है। तो जैसे ही पुअर में ई आर को जोड़ दिया तो अब ये बना दिया पी डबल ओ आर ई आर, यानी ये बन गया पुअरर जो कि कॉम्परेटिव डिग्री है या कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव जो रहेगा इसको आपको याद रखना है कि जितने भी कॉम्परेटिव होते हैं इन सबके बाद हम लोग
सेंटेंस में दैन को जोड़ते हैं, याद रहेगा ना। यानी कोई भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ईआर जोड़ दो, और ईआर जोड़ने के बाद जब कॉम्परेटिव बना तो हम लोग क्या लगा देंगे, दैन लगा देंगे। हालांकि ये दो सिलेबल से ज़्यादा वाले पे भी लागू होगा। यानी अगर यहाँ पर हम लिख दें ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के साथ चूँकि ये पॉजिटिव है तो मैंने बताया कि इसमें तो ईआर जोड़ना नहीं है। वजह क्या है कि ईआर नहीं जोड़ना है, क्योंकि ब्यूटीफुल तीन सिलेबल वाला शब्द है। तो ऐसे में यदि कॉम्परेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मोर, और तब यहाँ पर ब्यूटीफुल को जोड़ते हैं, मोर ब्यूटीफुल। तो ये आपका बन गया कॉम्परेटिव। और ऐसे कॉम्परेटिव के साथ भी हम लोग दैन ही लगाएंगे सेंटेंस में। यानी इस नियम को तो आपको अपने माइंड में डालना ही होगा कि जितने भी कॉम्परेटिव डिग्री बनेंगे उन सारे के बाद सेंटेंस में दैन लगाना होगा। अकेले आएंगे तो दैन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि पुअरर, तो पुअरर के बाद दैन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस में जब इसको यूज करेंगे तो दैन लगाना होगा। तो ये भी नियम आप लोग को याद रखना होगा। यह एक नियम क्लियर हुआ। सेकेंड रूल यह होगा कि यदि वन सिलेबल वाला, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव के अंत में कंसोनेंट हो, कंसोनेंट हो, और जस्ट पहले यानी तुरंत पहले कोई सिंगल वॉवेल आया हो, कोई सिंगल वॉवेल आया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कंसोनेंट रहेगा, जो भी लास्ट में कंसोनेंट रहेगा, इसको हम लोग को क्या कर देना है, डबल कर देना है। मतलब इस कंसोनेंट को दो बार लिख देना है। एग्जांपल से और अच्छे तरह समझ में आएगा। जैसे देखिए फिर से एक बार उनको समझिए, वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव के अंत में, तो वन सिलेबल वाला को एडजेक्टिव को पहले लिखा जाए, जैसा कि मैंने लिखा रेड, या एक और ले लेते हैं फैट, है ना, या बिग, ये सब वन सिलेबल वाले वन है वर्ड है जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में है। सबके अंत में देखिए कंसोनेंट है, रूल को फॉलो कीजिए, वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में कंसोनेंट हो, सब में कंसोनेंट है, और जस्ट पहले सिंगल वॉवेल हो, तो जस्ट पहले सिंगल वॉवेल, जैसे ई सिंगल है, ए सिंगल वॉवेल है, आई सिंगल वॉवेल है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि कंसोनेंट को डबल कर देते हैं और तब ई आर ई एस टी को जोड़ते हैं। तो अब इसका यदि हम कॉम्परेटिव बनाना चाहें, जैसे रेड का चाहते हैं ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव बनाना, तो देखिए आर ई डी, आर ई डी ई आर, अगर इतना ही कर दें कि आर ई डी में ई आर जोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा। करना क्या होगा, चूंकि वन सिलेबल वाला अभी जो रूल चला कि अंत में कंसोनेंट और पहले सिंगल वॉवेल, तो कंसोनेंट को डबल करना होगा, तो डी को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, यानी आर ई डबल डी, तब या रीडर रेडर, तो ये आपका कॉम्परेटिव बन गया। और यदि सुपरलेटिव बनाना होता तो क्या करते हैं, आर ई डबल डी ई एस टी रेडेस्ट, ये बन गया। ठीक इसी तरह फैट का बनाया जाए, तो फैट में ई आर जोड़ दिया जाए, एफ ए डबल टी ई आर फैटर होगा, और यदि हम इसका सुपरलेटिव बनाएं तो एफ ए डबल टी ई एस टी हो जाएगा। एंड बिग का यदि ई आर जोड़ा जाए तो बी आई डबल जी ई आर बिगर बनेगा, और इसका भी सुपरलेटिव बनाए तो बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर आप लोग एक रूल को सीखें कि कॉम्परेटिव के बाद दैन का यूज होता है, इसमें भी आप एक रूल को सीखें कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे, जैसे रेडेस्ट सुपरलेटिव है, फैटेस्ट सुपरलेटिव है, बिगेस्ट सुपरलेटिव है, या अगर हम लोग ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं सुपरलेटिव बनता, क्योंकि मोर लगाने से कॉम्परेटिव बनता है, मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनता, तो इन सभी सुपरलेटिव डिग्री का नियम क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले द को लेकर आते हैं। ठीक है, यही सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल को लगाना है, द को लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल को लगाना है, द को लगाना है। यानी अगर हमको बोलना हो रेडेस्ट, द रेडेस्ट बोलेंगे, अगर फैटेस्ट बोलना हो द फैटेस्ट बोलेंगे, अगर मोस्ट ब्यूटीफुल बोलना है तो द मोस्ट ब्यूटीफुल बोलेंगे।
ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल तक अभी हुआ। थर्ड रूल आता है कि यदि कोई वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव, ठीक है, वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव हो और उसके इंड में ई लगा हो, यानी लास्ट क्या से हुआ वर्ड किया हो, ई से, तो ऐसे में जब ईआर को या ईएसटी को जोड़ेंगे तो किसी एक ई को हटाना होगा। आप जिसको हटाना उचित समझे, या तो आप इसको हटाओ या तो इसको हटाओ, इसमें से ई को हटाओ, बात बराबर है, लिखना एक ही ई को होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि वाइज को लिया जाए तो एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव का फॉर्मेशन, यानी एडजेक्टिव में ही ये सब काम होने वाला है, ठीक है, किसी नाउन में ई आर ई एस टी मोर या मोस्ट नहीं जोड़ देना है। तो देखिए जैसे वाइज है, वाइज एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव को चूंकि ये आपका बेसिक है, बेसिक का मतलब क्या हुआ, मूल रूप में है, तो इस वाइज को एडजेक्टिव हम जो कर रहे हैं इसको हम कॉम्परेटिव में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, ई आर को ऐड करेंगे, तो देखिए डबल ई हुआ, एक ई और एक ई, डबल ई। तो हम ऐसा नहीं करेंगे डब्ल्यू आई एस डबल ई आर, ऐसा करना गलत होगा। हम क्या करेंगे, या तो इस ई को हटाएंगे या तो इस ई को हटाएंगे, जो आपको लगे उचित। तो डब्ल्यू आई एस ई आर और ये वाइजर जो होगा ये सही वर्ड हो गया, ठीक है। अगर ई एस टी को भी जोड़ते हैं, यानी हम सुपरलेटिव बनाते हैं वाइज में ई एस टी, तो इसी तरह सुपरलेटिव बनाने का तरीका डब्ल्यू आई एस ई एस टी वाइजेस्ट, ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। तो थर्ड रूल आपका क्लियर हुआ। फोर्थ रूल पर आते हैं। फोर्थ रूल यह होता है कि यदि कोई एडजेक्टिव दो सिलेबल का होगा, जो कि पहले मैंने बताया है, यदि कोई एडजेक्टिव दो, टू इंग्लिश में लिख देते हैं, टू सिलेबल का होगा, या हो सकता है कि दो से ज़्यादा हो, मोर देन टू सिलेबल यहाँ पर लिख देते हैं, या मोर देन टू सिलेबल, यानी दो या दो से ज़्यादा उच्च शब्दांश वाला, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ई आर को या ई एस टी इनका यूज न करके कॉम्परेटिव के लिए क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे कॉम्परेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव के लिए क्या कर देंगे, तो मोस्ट लगा देंगे, एम ओ एस टी, तो बन जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का यदि हम चाहते हैं कि कॉम्परेटिव बनाए, तो इंटेलिजेंट के पहले हम मोर को जोड़ देंगे, यानी मोर इंटेलिजेंट, ये आपका बना कॉम्परेटिव। और यदि हम सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो एम ओ एस टी मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये आपका बन गया सुपरलेटिव। अच्छा, इसमें मोर और मस्ट क्यों लगाएंगे, तो देखिए वजह क्या है, इंटेलिजेंट जो शब्द है ये वन सिलेबल से ज़्यादा है, तो वन सिलेबल से जब ज़्यादा रहेगा तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए उस वर्ड के पहले मोर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड के पहले मोस्ट को जोड़ देते हैं। अच्छा, एक और रूल अभी आप लोग पढ़े हैं कि यदि कॉम्परेटिव बनता है तो उसके साथ देन लगाना है, तो देन कहाँ लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट देन। सुपरलेटिव में आप पढ़े हैं कि सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, तो द कहाँ लगाएंगे, तो इस जगह पर, यानी द मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन कॉम्परेटिव में देन कहाँ लग रहा है, मोर इंटेलिजेंट देन, और जो भी कॉम्परिजन वाला वर्ड होगा वह सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे। तो ये आपके फोर्थ नियम हुए, जो कि एडजेक्टिव से कॉम्परेटिव, यानी जो सिंपल एडजेक्टिव है यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने का काम कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको तो आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। अब जैसे गुड है, तो गुड का ये चूंकि पॉजिटिव में है, मूल अवस्था में है, हम चाहें कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाना, तो गुड का कॉम्परेटिव आपको याद ही रखना होगा, बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वेल के लिए पूछें तो बिल्कुल यही चलेगा, गुड मतलब ही अच्छा, वेल मतलब ही अच्छा। गुड आपका एक एडजेक्टिव है जबकि वेल एक एडवर्ब वर्ड है, यानी एडवर्ब का भी हम लोग डिग्री चेंज करते हैं, इसी तरह से होगा जो नियम अभी चल रहा है। तो गुड का बेटर बेस्ट, वेल का भी बेटर बेस्ट। अब यहाँ पर मोर अगर आ जाए,
सॉरी मच एम यू सी एच, और मच का यदि हम कॉम्परेटिव बनाएं तो मच का कॉम्परेटिव होता है मोर, और यदि सुपरलेटिव बनाएं तो मोस्ट हो जाता है। यदि इस जगह पर मेनी को लिख दिया जाए और मेनी का यदि हम पूछे कि बताओ बाबू कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो बिल्कुल यही हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है, मच जो है अनकाउंटेबल है, जैसे अगर मिल के पहले हम लगाएं तो मेनी मिल के तो नहीं लगाएंगे, मच मिल के लगाएंगे, लेकिन मेनी का यूज काउंटेबल के लिए, जैसे हमको कहना है मेनी बुक्स, तो मेनी के साथ बुक्स का, चूंकि बुक काउंटेबल नाउन है, किया जाएगा यूज। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। इसी तरह से अगर एफ ए आर फार के बारे में हम जाने, फार मतलब दूर होता है, तो इसके लिए फारदर होगा एफ ए आर टी एच ई आर, और एफ ए आर टी एच ई एस टी अगर करते हैं तो यह सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लेट का बनाए एल ए टी ई, तो इसका लेटर हो जाएगा एल ए टी ई आर या डबल टी ई आर भी होता है, और एक लेटेस्ट हो जाएगा एल ई टी ई एस टी। ठीक है, इन का यदि हम लोग कॉम्परेटिव बनाए, इन भी एडजेक्टिव का काम करता है, हालांकि इन प्रीपोजिशन भी है, अप भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो इन का आई डबल एन ई आर इनर हो जाएगा, और आई एन आई डबल एन ई आर इनर मोस्ट अगर कर देते हैं तो ये इसका सुपरलेटिव हो जाएगा। अप का अपर जो अगर हम बना देते हैं तो यह कॉम्परेटिव होगा, और अप मोस्ट या अपर मोस्ट अगर कर देते हैं, अप मोस्ट भी इसका सुपरलेटिव होगा और अपर मोस्ट भी। तो ये सब आप लोग को याद करना होगा, जो कि पीडीएफ फाइल के रूप में आपके ऐप में मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको याद कर लेंगे। तो आज अभी हम लोग सीखें वर्ड लेवल पर डिग्री को, और इसके बाद यानी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस लेवल पर सिखाऊंगा कि इनका यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। ठीक है।